दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल PK एजुकेटर में। दोस्तों आज की ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, खासतौर से OBC के कैंडिडेट्स के लिए। सभी कैटेगरीज की बात करेंगे, लेकिन OBC के कैटेगरीज की बात स्पेशल तौर पर करेंगे। उनके लिए परसेंटेज क्राइटेरिया क्या लगाया गया है, इस साल कितने परसेंट वालों के ऊपर की फ़ीस वापसी हुई है, कितने परसेंट तक वालों की स्कॉलरशिप आई है और कितने परसेंट के नीचे के छात्रों को कुछ भी नहीं दिया गया है, तो पूरी सीन जो क्या है OBC को लेकर, कैसा परसेंटेज लागू हुआ है। साथ में जनरल SC माइनॉरिटी की भी बात करेंगे, तो आप वीडियो पे बने रहिए अंत तक। और उससे पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करिए स्कॉलरशिप से जुड़ी सारी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है, 25 जनवरी से स्कॉलरशिप आना स्टार्ट हुई। सबसे पहले माइनॉरिटी की स्कॉलरशिप जो है PFMS पर शो होना शुरू हुई, उसके बाद जनरल और SC की भी स्कॉलरशिप शो होना शुरू हुई थी, लेकिन OBC की स्कॉलरशिप नहीं आ रही थी, स्टूडेंट्स बहुत परेशान थे। तो OBC की भी जो स्कॉलरशिप है वो PFMS पर 27 जनवरी से शो होना शुरू हुई। हमने सबसे पहले आपको बताया था कि 25 जनवरी को ही हमने आपको बता दिया था कि 27 जनवरी को OBC की स्कॉलरशिप आएगी PFMS पर, लेकिन मुद्दा ये नहीं है। स्कॉलरशिप तो आई छात्रों की, लेकिन फीस वापसी नहीं की गई छात्रों की, केवल स्कॉलरशिप दी गई। उसमें परसेंटेज क्राइटेरिया इतना ऊंचा सेट किया गया कि बहुत ही कम छात्रों की फ़ीस वापसी हो पाई है और बहुत से ज़्यादा शेष छात्र रह गए हैं फीस वापसी से, और बहुत सारे छात्रों की तो स्कॉलरशिप भी नहीं आई है। तो आपको सारी डिटेल इस वीडियो में बताने वाला हूँ, कितने परसेंट वालों को क्या दिया गया है। लेकिन उससे पहले, सबसे पहले आपको अपना काम ये करना है कि आपको जाके अपनी स्कॉलरशिप चेक करनी है कि आपकी स्कॉलरशिप कितनी आई है। तो उसके लिए आपको गूगल क्रोम ब्राउज़र में जाकर सर्च करना है सरकारी जॉब .co, ठीक है, आपको सर्च करना है सरकारी जॉब .co ही टाइप करना है। और ये लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वहां से जाकर भी अपनी स्कॉलरशिप चेक कर सकते हैं। तो जैसे ही आप सरकारी जॉब .co टाइप करके ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह की वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगी। नीचे आपको जाना है स्क्रॉल करते हुए, तो आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगा UP स्कॉलरशिप चेक 2019-20 का ऑप्शन, इस पर आप कर देंगे क्लिक। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगी। तो आपको नीचे चला जाना है स्क्रॉल करते हुए, और नीचे आपको यहाँ रेड कलर में दिखेगा चेक स्टेटस विद बैंक अकाउंट, तो यहाँ पर आपको कर देना है क्लिक। यहाँ पर क्लिक करके आपको चेक करना है अपनी स्कॉलरशिप की, आपकी कितनी स्कॉलरशिप शो हो रही है, फीस वापसी और स्कॉलरशिप की दोनों किस्तें शो हो रही हैं या फिर केवल स्कॉलरशिप की ही किस्त शो हो रही है। तो यहाँ पर आपको अपने बैंक के शुरू के कुछ अक्षर डाल देने हैं, फिर उस लिस्ट से अपने बैंक का नाम चुन लेना है। यहाँ पर आपको अपना अकाउंट नंबर एंटर करना है, उसके बाद वही अकाउंट नंबर यहाँ पर दोबारा से कन्फर्म करना है। फिर आपको जो ये कैप्चा नज़र आ रहा है इसको इस बॉक्स में फिल करके सर्च पर क्लिक कर देना है, तो आपके सामने ओपन हो जाएगी आपकी स्कॉलरशिप जितनी भी आई होगी, फीस वापसी और स्कॉलरशिप, अगर दोनों किस्तें आई होंगी तो दोनों किस्तें शो कर रही होंगी, अगर केवल स्कॉलरशिप आई होगी तो केवल स्कॉलरशिप की किस्त शो करेगी, और अगर कुछ भी नहीं आया तो वहाँ पर नो रिकॉर्ड फाउंड दिखाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं परसेंटेज की। तो दोस्तों इस स्टूडेंट्स का हमने PDF जो है वो PFMS का वो आपके सामने ओपन किया हुआ है। देखिए 27 और यहाँ पर डेट है, ठीक है, 27 जनवरी को OBC की स्कॉलरशिप आना स्टार्ट हुई है, तो 27 जनवरी को ही ये डाउनलोड किया गया है। यहाँ पर हमने ब्लर किए हुए हैं बेनिफिशरी नाम और अकाउंट नंबर को सिक्योरिटी रीजन से, ठीक। तो उसके बाद यहाँ पर आप बैंक नेम देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहेंगे ऊपर जो ₹342 सक्सेज है और ₹2760, ये इनकी पिछले वर्ष की स्कॉलरशिप है क्लास 12 की, 12 में थे ये स्टूडेंट्स। इस वर्ष उनका BA है, बैचलर ऑफ आर्ट BA कोर्स में वो पढ़ रहे हैं, तो इस वर्ष जो है उनकी स्कॉलरशिप आप देख सकते हैं 2100 ही शो हो रही है, और अंडर प्रोसेसिंग बैंक CBS ये सारी चीज़ें तो अब आप जान ही गए हैं बताते, तो केवल 2100 ही स्कॉलरशिप शो हो रही है और इनकी फीस वापसी शो नहीं हो रही है। तो इनका मैं बता दूं कि परसेंटेज भी जो है वो 69% है इस कैंडिडेट का, लेकिन फिर भी इनको फीस वापसी नहीं की गई है। तो फीस वापसी का जो क्राइटेरिया रखा गया है OBC के छात्रों के लिए इस बार, तो 70% से ऊपर वालों को फीस वापसी की गई है, और 70% से जिसका भी नीचे है, 60 से 70% के बीच में जिन स्टूडेंट्स का परसेंटेज है, तो उनको केवल स्कॉलरशिप दी गई है।
तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन पूरी चीज़ें मैं बताऊंगा आपको कि क्या अब इनकी स्कॉलरशिप फीस वापसी इनको मिलेगी या नहीं मिलेगी 70% से नीचे वालों को। तो आप इत्मीनान से वीडियो पे अंत तक बने रहिएगा, भले वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए। ठीक, तो 69% है, फिर भी इनकी फीस वापसी नहीं हुई, 2100 ही इनका स्कॉलरशिप आया है। जबकि बात करें तो पिछले वर्ष जो स्कॉलरशिप था वो अमाउंट BA में 2400 आ रहा था। ठीक है, 2 साल पहले ये जो अमाउंट होता था स्कॉलरशिप का BA का वो 3600 होता था, लेकिन पिछले वर्ष ही इसको घटाकर 2400 किया गया। पिछले वर्ष जो छात्रों को ओबीसी के या किसी कैटेगरी को भी दी गई स्कॉलरशिप वो 2400 दी गई, और 5000 फीस वापसी मिला के 7400 रुपये पिछले वर्ष दिया गया छात्रों को। लेकिन इस वर्ष जो है स्कॉलरशिप की जो अमाउंट है 2400, उसमें फिर से 300 रुपये की कमी करके इस बार 2100 ही स्कॉलरशिप शो हो रहा है। तो रही बात, अब देखिए 70% और बात बताएं कि 70% के ऊपर जिनका भी परसेंटेज है ओबीसी में, उनकी फीस वापसी और प्लस स्कॉलरशिप दोनों दी गई हैं PFMS पर। दोनों चीज़ें यानी दोनों किस्तें शो हो रही हैं, स्कॉलरशिप की भी और फीस वापसी की भी। तो यही 70% के ऊपर वालों को फीस वापसी और स्कॉलरशिप दोनों चीज़ें दी गई। और यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं स्कीम नेम, ये ओबीसी का ही मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ। बहुत सारे स्क्रीनशॉट है मेरे पास, लेकिन सारी स्क्रीनशॉट दिखाकर कोई फ़ायदा नहीं है, सारी में एक ही चीज़ है। 70% वालों के ऊपर वालों को दोनों चीज़ें, दोनों किस्तें आई उनकी स्कॉलरशिप और फीस वापसी की। लेकिन 70% से 60% के बीच में जिनका भी परसेंटेज है, यानी 60% से लेकर 70% तक वालों को केवल स्कॉलरशिप दी गई है। स्कॉलरशिप की अमाउंट आप समझ सकते हैं जो छोटी होती है, और 70% के ऊपर वालों की स्कॉलरशिप और फीस वापसी दोनों दी गई। लेकिन 60% से नीचे जिन छात्रों का परसेंटेज है उनको ना तो स्कॉलरशिप ही दी गई है और ना ही फीस वापसी उनकी शो हो रही है अभी आज की डेट में। तो आज की डेट में यह है कि 70% से ऊपर वालों को फीस वापसी प्लस स्कॉलरशिप, और जिनका परसेंटेज 60 से 70 के बीच में उनको केवल स्कॉलरशिप, और जिनका परसेंटेज 60 से भी नीचे है उनको कुछ नहीं दिया गया। लेकिन अब स्टूडेंट्स के जो क्वेश्चंस थे कि क्या 69% वालों की फीस वापसी नहीं होगी, तो देखिए आज पहली बार ट्रांजेक्शन हुआ है। अब बजट पर डिपेंड करेगा कि जो उनके पास जितना बजट उपलब्ध है, अगर इतने लोगों 70% से ऊपर के छात्रों को फीस वापसी देने के बाद बजट शेष रहेगा तो उस परसेंटेज क्राइटेरिया को वो थोड़ा और नीचे लाएंगे। मान लीजिए 2% नीचे करते हैं, 5%, अगर 2% नीचे करते हैं तो 68% तक वालों की फ़ीस वापसी हो जाएगी। लेकिन और अगर उनके पास बजट रहता है तो 65 तक वालों की भी हो सकती है। हो सकता है उनके पास इतना बजट उपलब्ध हो कि परसेंटेज क्राइटेरिया घटा के 60 कर दें तो 60% से ऊपर वालों की सभी की स्कॉलरशिप आ जाएगी, और इसी तरह अगर वो सॉरी फीस वापसी आ जाएगी। और अगर इसी तरह बात करें स्कॉलरशिप देने में, तो स्कॉलरशिप का परसेंटेज भी हो सकता है कि उसको घटाकर 50% तक कर दें। क्योंकि देखिए पिछले वर्ष का मैं भी बता दूं आपको, पिछले वर्ष जो है पहले 65% के ऊपर वालों को फीस वापसी दी गई थी, 65% के नीचे वालों को फीस वापसी नहीं दी गई थी, और उसके पहले 62% था क्राइटेरिया। तो हर साल ओबीसी का क्राइटेरिया जो है परसेंटेज का वो बढ़ता जा रहा है, लेकिन पिछले साल की जो पहले साल 62% था उसमें कोई फिर कमी नहीं की गई थी, 62% से नीचे वालों को फीस वापसी नहीं मिल पाई थी। लेकिन पिछले वर्ष जो पहले 65% का क्राइटेरिया था, 65% के ऊपर वालों को फीस वापसी दी गई थी, उसके बाद उसको कम किया गया था और 56% तक वालों की फीस वापसी पिछले शैक्षिक सत्र 2018-19 में हुई थी। और इस शैक्षिक सत्र 2019-20 की बात करें तो इसमें 70% तक वालों की ही अभी तक फीस वापसी हुई है, 70% से नीचे वालों की फीस वापसी नहीं हुई है, और 60% से नीचे वालों की स्कॉलरशिप नहीं आई है। तो अभी देखिए आप लोगों को वेट करना चाहिए, आज पहला ट्रांजैक्शन था, हो सकता है परसेंटेज क्राइटेरिया घटाएं अगर बजट उनके पास शेष रहेगा। और स्कॉलरशिप आने का जो समय होता है वो मार्च के लास्ट सप्ताह तक, अंतिम मार्च तक स्कॉलरशिप आती रहती है। तो अभी आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है, ऐसा नहीं है कि अब आपकी फ़ीस वापसी नहीं आ सकती। उनके पास जैसे ही बजट रहेगा तो थोड़ा सा भी अगर परसेंटेज क्राइटेरिया नीचे लाए, 65 मान लीजिए लाए, तो 65 तक वालों की फ़ीस वापसी हो जाएगी। लेकिन उम्मीद ये कम है कि जिनकी 60% से कम है परसेंटेज, तो उनकी फ़ीस वापसी की उम्मीद बहुत कम है। क्योंकि देखिए 70% जो क्राइटेरिया सेट किया है, कितना भी कम करते करते अगर आएंगे 10% में बहुत लड़के आ जाते हैं। तो अगर उनके बजट के हिसाब से देखिए, अब सारी कहानी जो है वो बजट पर डिपेंड करती है। बजट बचा रह गया, मान लीजिए 70% के ऊपर वालों को देने के बाद भी अभी बजट शेष है अगर फीस वापसी का, तो परसेंटेज नीचे करेंगे, भले 2% करें, उसमें भी अगर शेष रहेगा तो फिर से वो परसेंटेज क्राइटेरिया नीचे करेंगे, जहाँ तक कि बजट खत्म नहीं हो जाता।
जैसे मान लीजिए 67% तक में अगर बजट खत्म हो गया तो 67% तक वालों की ही फीस वापसी होगी, और यही चीज़ आपकी स्कॉलरशिप में भी होगी। 60% से नीचे वालों को भी तभी मिलेगी जब उनके पास बजट रहेगा, तो वो परसेंटेज क्राइटेरिया को नीचे करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ काफ़ी डिटेल के साथ हमने सारी चीज़ें आपको समझाई हैं, तो आपको ज़रूर समझ में आ गई होंगी। और जिनका भी 70% से कम है तो अभी वो उम्मीद ना छोड़ें, स्कॉलरशिप आने का समय मार्च लास्ट तक होता है, किसी भी समय दूसरी किस्त आ सकती है और वैसे भी हम लगातार अपडेट तो हम आप लोगों को दे ही रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।